सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम तत्वों के आधार पर अंधेरी नगरी नाटक की तात्विक समीक्षा पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित अंधेरी नगरी छोटे से आकार का एक नाटक है, जिसकी रचना इन्होंने एक रात में ही कर दी थी। अंग्रेज सरकार की नीतियों और किसी मूर्ख राजा को आधार बनाने के कारण इसमें गूढ़ार्थ व्यंग्य के माध्यम से उन पर तीखा प्रहार किया गया है। नाटक में चित्रित मूर्ख राजा वास्तव में उन सभी शराबी, विवेकहीन और लंपट सामंतों और रजवाड़ों के मुखियाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो उस समय देश के विभिन्न हिस्सों में जनता के पैसे पर ऐसो आराम का जीवन व्यतीत करते थे और इसी जनता पर न्याय के नाम पर अन्याय करते थे। नाटक के तत्वों के आधार पर इस नाटक की समीक्षा इस प्रकार की जा सकती है। नाटक के तत्व, जैसे हम पहला तत्व पढ़ रहे हैं कथा वस्तु। किसी नाटक में कथा वस्तु ही वह मूल आधार है, जिस पर सारी कथा की विशेषताओं और उद्देश्य का ताना बाना बुना जाता है। अंधेरी नगरी की कथा वस्तु कल्पना को सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर आश्रित करके प्रस्तुत किया गया है। इसमें अंग्रेजी शासनकाल की दुर्व्यवस्था और तत्कालीन समाज की दीनहीन स्थिति को प्रकट किया है। यह एक प्रहसन है जिसका कथानक अंधेर नगरी कथा सार सीधे से सादा है। इसमें कहीं कोई वक्रता नहीं है। इस नाटक का विभाजन 6 अंकों में हुआ है। इस नाटक में 6 अंक हैं, जिन्हें लेखक के बाह्य प्रांत, बाजार, जंगल, राजसभा, अरण्य और शमशान नाम से व्यंजित किया है। ये सारे के सारे अंक एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हैं कि वे एक लड़ी में पिरोए गए मनकों की भांति प्रतीत होते हैं। कथा में कहीं कोई अवरोध नहीं है। कथा का प्रवाह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और चरम उत्कर्ष की सृष्टि करता है। बाह्य प्रांत में महंत जी अपने दो चेलों नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ राम भजन करते हुए मंच पर प्रवेश करते हैं। महंत जी अपने चेलों को पूर्व और पश्चिम दिशाओं में जाने के लिए कहते हैं, ताकि वे वहां से भीख ला सकें। गोवर्धन दास चौपट राजा की अंधेर नगरी में पहुंचता है, जहां बाजार में तरह तरह की वस्तुएं बिक रही हैं और सभी का मूल्य टक्के शेर है। उसे आश्चर्य होता है। गुरु के समझाने के बाद भी वह सदा के लिए वही रहना चाहता है, ताकि वह टक्के शेर के भाव से बहुत अच्छा खा सके। चौपट राजा एक बकरी के दीवार के नीचे दबकर मर जाने के अपराध में निरअपराधी कोतवाल को फांसी की सजा सुना देता है, लेकिन उसकी गर्दन में फांसी का बड़े आकार का फंदा पूरा नहीं आता, जिस कारण गोवर्धन की मोटी गर्दन उसमें डालकर उसे लटका देने का निर्णय किया जाता है। लेकिन ठीक समय पर गुरुजी उसे बचा लेते हैं। चौपट राजा अपनी मूर्खता से स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। लेखक ने नियोजित ढंग से कथा को गति प्रदान की है, लेकिन इस नाटक के केंद्र बिंदु दो ही हैं, एक बाजार का दृश्य और दूसरा राजसभा के द्वारा लेखक ने नगर की अंधी और अविवेकपूर्ण व्यवस्था का परिचय दिया है, जिसका समापन राजा की फांसी के साथ होता है। नाटक के आरंभ में जिस हास्य की सृष्टि आरंभ होती है, वह निरंतर तर कथा प्रवाह के साथ बढ़ती ही जाती है और नाटक के अंतिम दृश्य में दर्शक या पाठक खुलकर जोर से हंस पड़ता है। नाटक का कथानक तारतम्यता से बंधा हुआ है। इसमें जिज्ञासा तत्व प्रधान है।
जो आरंभ से अंत तक पाठक को नाटक के साथ बांधे रखता है। जब दीवार के नीचे बकरी के दब कर मर जाने का दृश्य आता है और उसका दोस्त एक दूसरे और दूसरे से तीसरे के सिर मंडा जाता है, तो पाठक बिल्कुल भी नहीं सोच पाता कि इसके कारण अंत में फांसी का फंदा स्वयं राजा के अपने ही गले में पड़ जाएगा। ये पाठक बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। अंधेर नगरी का अंधा न्याय पाठकों में जिज्ञासा की सृष्टि ही नहीं करता, बल्कि निरंतर उसे बढ़ाता जाता है। यानी कि पाठक में जिज्ञासा बढ़ती जाती है कि अब क्या होगा। नाटक के सारे अंकों में सुसंबद्धता और एकता निरंतर बनी रही है। कथानक में कहीं भी असंबद्धता का तत्व नहीं है। सभी घटनाएं क्रमबद्ध हैं, जो कथानक को निरंतर गतिमान रखती हैं। हर दृश्य एक दूसरे से जुड़कर कथा को परवाह देता है। महंत जी के मंच पर आने से लेकर चौपट राजा की फांसी तक की सारी कथा में परवाह और गतिशीलता है, उनमें तारतम्यता है। महंत जी, गोवर्धन दास और चौपट राजा कुछ सहायक पात्रों की सहायता से कथा में सुसंबद्धता और एकता बनाए रखने में सहायक सिद्ध हुए हैं। अंधेरी नगरी के कथानक में सर्वत्र गतिशीलता विद्यमान है। कहीं भी कथा के प्रवाह में मंद वेग दिखाई नहीं देता। घटनाएं एक के बाद एक तेजी से पाठक दर्शक के सामने से गुजरती चली जाती हैं, जिस कारण उसका पूरा ध्यान उनमें लगा रहता है। इसी कारण इसमें रोचकता का तत्व विद्यमान है। अंधेरी नगरी की कथा वस्तु अत्यंत रोचक, प्रभावशाली, जिज्ञासापूर्ण, हास्य और कौतूहल से युक्त है। इसके माध्यम से लेखक के तत्कालीन परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत किया है तथा इसमें कथा वस्तु की समस्त अवस्थाओं का पूरी तरह निर्वाह हुआ है। अब हम इनके पात्रों के बारे में पढ़ेंगे। नाटक की कथा वस्तु को गति प्रदान करने वाले पात्र ही प्रमुख होते हैं, इसलिए उनकी योजना कथा वस्तु के अनुसार ही होती है। अंधेरी नगरी का आकार बहुत छोटा है, इसलिए इसमें पात्रों के चारित्रिक विकास का लेखक के पास बहुत बड़ा अवसर तो नहीं था। फिर भी तीन प्रमुख पात्र हैं, एक हैं महंत जी, दूसरे हैं गोवर्धन दास तथा चौपट राजा। अपने अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करने में सफल रहे हैं। वैसे बाजार के दृश्य में कबाब, घासी राम, नारंगी वाली, हलवाई, कुंजड़िन, मुगल पाचक वाला, मछली वाली, जात वाला, ब्राह्मण, बनिया आदि अनेक पात्र दिखाई देते हैं, लेकिन अपनी एक एक बात कहकर मंच से दूर हो जाते हैं, जिस कारण उनके चारित्रिक विकास को ठीक प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कथानक में उनके केवल नाम और कार्यों की गणना की गई है। इनके माध्यम से लेखक ने उदस्य पूर्ति के लिए करारे व्यंग्य तो अवश्य किए हैं, लेकिन पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का प्रकट नहीं कर पाए हैं और न ही ऐसा करना उसका उद्देश्य था। नाटक में महंत जी और गोवर्धन दास वर्ग पात्र हैं, क्योंकि उनका इतना चारित्रिक विकास अवश्य दिखाया गया है। उनकी प्रमुख विशेषताएं पाठकों, दर्शकों को दिखाई दे सकें, ये दोनों पात्र अत्यंत यथार्थ और स्वाभाविक हैं। महंत जी गंभीर, राम भक्त, यथार्थ में विश्वास करने वाले, विवेकशील और चिंतक हैं। वह कदापि लालची नहीं हैं, वह जीवन में उतना ही चाहते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है। उन्हें संतों की तरह भक्ति और नीति संबंधी अनेक पद, दोहे, सूक्तियाँ आदि याद हैं और समय समय पर वह उन्हें प्रयुक्त करते हैं। वह सजग और सुचेत हैं, इसलिए वह अपने चेले गोवर्धन दास के गले को फांसी के फंदे से बचा पाए थे। वह मनोविज्ञान का ज्ञाता है। गोवर्धन दास पेटू, लालची और आत्मकेंद्रित है। वह जीवन के सुखों को पाना चाहता है। वह आज के साधु संतों के समान भगवे कपड़े पहनकर आराम पसंद का जीवन जीना चाहता है।
भक्ति करना उसे अच्छा नहीं लगता। वह तो केवल मिठाई खा खा कर मोटा होना चाहता है। उसे केवल अपनी चिंता रहती है, वह दूसरों की परवाह नहीं करता। वह डरपोक स्वभाव का है, इसलिए सिपाहियों के द्वारा पकड़े जाने पर वह रोता चिल्लाता है, गड़गड़ाता है, जीवन की भीख मांगता है। चौपट राजा राजवर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जो मूर्ख होकर सामान्य लोगों के पूजनीय और बुद्धिमान बना रहता है। वह अविवेकी, नशेबाज, घमंडी और लालची है। अब हम इसका तीसरा तत्व पढ़ेंगे, संवाद। संवाद में पढ़ेंगे, नाटक की सफलता उसके छोटे छोटे संवादों पर निर्भर करती है। उनमें नाटकीयता का समावेश अवश्य होना चाहिए। लंबे संवाद पाठक दर्शक को कभी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि एक ही पात्र को निरंतर बोलते देखकर मन में ऊब उत्पन्न होती है। वे संवाद कम और भाषण अधिक लगने लगते हैं। अंधेरी नगरी में संवाद छोटे छोटे और प्रभावशाली हैं। संवाद बोलने वाले सभी पात्र नपातुला और सटीक बोलते हैं। कहीं कहीं तो एक शब्दात्मक वाक्यों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे हम देख रहे हैं गोवर्धन दास बोलते हैं, क्यों भाई बनिए, आटा कितने शेर है। बनिया इनका जवाब देता है, टक्के शेर है। गोवर्धन दास फिर बोलते हैं, और चावल। बनिया फिर बोलता है, टक्के शेर। फिर गोवर्धन दास पूछते हैं, और चीनी, तो बनिया बोलता है, टक्के शेर। गोवर्धन दास फिर पूछते हैं, और घी, बनिया बोलता है, टक्के शेर। गोवर्धन दास, सब टक्के शेर, सचमुच, बनिया बोलता है, हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूँगा। इस तरह इस अंधेर नगरी नाटक में संवाद बहुत छोटे हैं। लेखक ने पात्रों की स्थिति के अनुसार संवाद योजना की है। महंत जी कम बोलते हैं, लेकिन जितना बोलते हैं उतना ही प्रभावशाली और गंभीर शैली में बोलते हैं। उनके संवादों में सूक्तियाँ और नीति कथनों का प्रयोग अधिक दिखाई देता है। चौपट राजा के द्वारा बोले गए संवादों से मूर्खता झलकती है। बाजार में तरह तरह का सामान बेचने वालों के संवाद नहीं, बल्कि पद्यात्मक और गद्यात्मक वक्तव्य हैं। निश्चित रूप से इनमें लंबा ही है, लेकिन ये बुरे और बोझिल प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें यथार्थ विद्यमान है। अब हम आगे पढ़ेंगे भाषा शैली। चौथा तत्व है भाषा शैली। भारतेंदु ने अंधेर नगरी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली के सम्मिश्रण से कथा को परवा प्रदान किया है। उन्होंने संस्कृत की नाटक शैली को आधार बनाकर इसकी रचना की है, लेकिन इस परंपरा का कठोरता से पालन नहीं किया है। उन्होंने जहां तहां उर्दू की शब्दावली का प्रयोग भी किया है, जैसे हाकिम, कानून, रेत, आसना, दरबार, हुकुम, बंदे, कसूर, इंतजाम, बर्खास्त, दोस्त आदि। तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग कुछ दिखाई देता है। ग्रामीण तथा अनपढ़ जनता को स्वाभाविक रूप से प्रकट करने के लिए ऐसी शब्दावली का प्रचुर प्रयोग किया गया है, जो ऐसे लोग भावों को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, जैसे बोई, हई जैसे करे, लक लक, बोदा, टिक्कस, चामना, साहत, मुटाना आदि। मुहावरे तथा लोकोक्तियों का सहज स्वाभाविक प्रयोग दिखाई देता है, जैसे इसमें कुछ मुहावरे हैं, खाए सो होठ चाटे, खाए सो जीभ काटे, मैं तो भूली लेकर संगी आदि। मुहावरों का प्रयोग भी हुआ है। नाटककार ने पात्रों के आधार पर भाषा का प्रयोग किया है। महंत और उसके चेले साधु जैसी भाषा का ही प्रयोग करते हैं, और मूर्ख राजा मूर्खों जैसी भाषा ही प्रयुक्त करता है। भाषा की सरलता और सरसता के कारण ही सभी पात्रों के चरित्र अपेक्षाकृत सरलता से प्रकट हो सके। अब हम पांचवा तत्व पढ़ेंगे, देश काल और वातावरण। भारतेंदु ने अंधेर नगरी से अंग्रेजी शासन के समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का वर्णन किया है। उन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर
इस जागरण का आधार बनाना चाहा था। अंग्रेजी राज्य की नीतियों के कारण लेखकों के पास इतनी सुविधा नहीं थी कि वे स्पष्ट उन्हें इंगित करके साहित्य लिख सकें, इसलिए उन्हें लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता सहारा लेकर इस कार्य को किया था। उन्होंने अपने युग की विभिन्न विसंगतियों को दूसरे आधारों पर चित्रित करना पड़ा था। उन्होंने तत्कालीन समाज में धर्म के क्षेत्र में व्याप्त पोंगापंथी तथा अनेक प्रकार के आडंबरों का समाज के समक्ष पर्दाफाश करना चाहा था। पाठक और दर्शक को उन्होंने युग चित्रण के द्वारा यथार्थ का दर्शन कराया था। उस समय जाति पाति प्रथा का बोलबाला था। एक जाति की अनेक उपजातियां हो जाती थी और उनके आगे अनेक शाखाएं बन जाती थी। ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम हैं भाई ब्राह्मण पैसे के नाम पर खिलवाड़ करते थे, वे अपने उच्च आदर्शों और जीवन मूल्य को भूल चुके थे। वे मूल्यहीन समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और पैसे के लालच में मान प्रतिष्ठा सिद्धांत आदर्श आदि को बेच रहे थे। उस समय महाजन बेईमान बन चुके थे। व्यापार व्यवसाय के नाम पर वे जनता का शोषण करने लगे थे। बेईमानी से वे गरीब लोगों का पैसा लूट लेते थे। उस समय वेश्यावृत्ति समाज की जड़ें खोखला कर रही थी और बिगड़े हुए युवक नारियों की और आंखें गड़ाए रहते थे। तत्कालीन पत्रकार और संपादक भी अपने काम के प्रति पूर्ण रूप से सजग नहीं थे। वे अच्छे बुरे के बीच भेद समझे बिना अपने अखबार के पृष्ठ भरना चाहते थे। उस समय के साधु ईश्वर नाम की अपेक्षा मोह माया में रुचि लेते थे। वे अच्छा खाना चाहते थे लेकिन ईश्वर का नाम नहीं लेना चाहते थे। वे अंधेर नगरी के वैभव को देख अच्छी शिक्षा की कामना तो करते हैं लेकिन अच्छा आचरण नहीं रखना चाहते। उस समय का समाज अंधविश्वास से परिपूर्ण था। महंत जी के ये कहने पर कि उस घड़ी जो मरेगा वह सीधा वैकुंट जाएगा, फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए कोतवाल मंत्री राजा आदि सब झट तैयार हो जाते हैं। अब हम इसका छठा तत्व पढ़ेंगे, अभिनेता। अंधेर नगरी रंगमंच को ध्यान में रखकर लिखा गया नाटक है जिसका कथानक पात्रों के घात प्रतिघातों की सहायता से गति प्राप्त करता है। नाटक का कथानक अति सरल और छोटा है। इसके सारे 6 दृश्य बहुत छोटे आकार के हैं, इसलिए वे पाठक पर किसी भी प्रकार बोझिल नहीं बनते हैं। इनके द्वारा रोचकता और जिज्ञासा सर्वत्र बनी रही। सारी कथा एक सूत्र में बंधकर आगे बढ़ती हुई प्रतीत होती है। नाटक के दृश्यों की साज सजा बहुत सरल है, जिन्हें कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है। कथा वस्तु यथार्थ पर टिकी है। वह अंग्रेजी शासन की व्यंग्य के माध्यम से आलोचना करता हुआ समाज को बहुत कुछ बता जाता है। नाटक के माध्यम से पाठक दर्शक तत्कालीन समाज में व्याप्त आडंबर, विवेकहीनता, आर्थिक शोषण, न्याय व्यवस्था, भ्रष्टाचार आदि मंच पर अपने सामने होता देखकर ऐसा अनुभव करता है जैसे ये सब उसके जीवन के आसपास से ही संबंधित हैं। छोटे छोटे और सटीक संवाद पाठक और दर्शक को अपने साथ बांधकर रख सकने में सक्षम है। पूरे नाटक में कहीं कोई ऐसा दृश्य नहीं है जिसे रंगमंच के लिए वर्जित माना गया हो। फांसी के दंड की व्यवस्था तो अवश्य की गई है लेकिन उसका संकेत भर है। लेखक ने स्थान स्थान पर रंग संकेत दिए हैं जिससे नाटक के निर्देशक को किसी भी प्रकार की कठिनाई अनुभव नहीं होती है। नाटक की भाषा शैली बहुत सरल और सीधी है जो पात्रों की स्थिति और व्यक्तित्व के अनुकूल है। अभिनेता की दृष्टि से ये पूर्ण रूप से सफल नाटक है। अब हम पढ़ेंगे उद्देश्य। भारतेंदु ने अंधेर नगरी नाटक की रचना विशेष उद्देश्य को अपने मन में रखकर की थी। बिहार के किसी रजवाड़े को आधार बनाकर इसकी रचना तो अवश्य की गई थी लेकिन लेखक की दृष्टि से तत्कालीन भारत की ओर लगी हुई थी। वह वास्तव में भारत की दुर्दशा का वर्णन करना चाहते थे।
इसलिए वह तत्कालीन शासकों पर व्यंग्य बाण बरसाते हैं। वह मानते हैं कि भारत की दुर्दशा का कारण अंग्रेज ही हैं। उस समय देश के अधिकांश लोग अंग्रेजों से संतुष्ट नहीं थे, जनता भी राष्ट्रीय भावना जागृत होने लगी थी। वह अंग्रेजी राज्य की नीतियों का विरोध करना चाहते थे। भारतेंदु ने अपने नाटक के माध्यम से नवचेतना और नवजागरण की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने पुलिस कानून, बेईमानी, भ्रष्टाचार, शोषण, क्रूरता आदि के पोल खोलते हुए उन्हें समाज के सामने प्रकट कर दिया था। चन्नेवाला, चूरनवाला और गोवर्धन दास के माध्यम से अंग्रेज सरकार की नीतियों का स्पष्ट विरोध किया गया। अंग्रेज हमारे देश का आर्थिक शोषण करते थे। चना हाकिम सब्जो खाते, सब पर दुना टिकस लगाते। सरकार के विभिन्न कार्यालयों, कचहरियों, पुलिस विभाग आदि के विषय में ये कहा गया कि वे लूट के अड्डे हैं, रिश्वत लेने के स्थान हैं, वहाँ झूठे कानूनों का सहारा लेकर झूठ को बढ़ावा दिया जाता है। सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना के लिए उन्होंने विभिन्न पाखंडों, आडंबरों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों और परंपराओं को प्रकट करने हेतु वाणी प्रदान की है। भारतेंदु ने अपने लघु हास्य नाटक के माध्यम से केवल हास्य की सृष्टि ही अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयत्न भी किया है। वास्तव में ये यथार्थ बोध कराने वाला एक सफल नाटक है।